विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है 2^19 - 32 का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेंगे। सॉल्यूशन में जो गिवन है और एक बार नोट डाउन कर लो, 2^19 - 32 इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर पावर में है, यहाँ पर पावर में नहीं है, नंबर है ये। इस 32 को हम पावर में अगर लिखना है तो इसे 2^5 हो जाता है, यानी 2 अपने आप में 5 टाइम्स अगर मल्टीप्लिकेशन किया ये 32 बनते हैं। तो 32 की जगह में हम रिप्लेस करेंगे 2^5, देन दिस इक्वल्स 2^19 - 2^5 यहाँ पर 5 बनेगा। तो हम यहाँ पर अभी 2^19 - 2^5 5 है, तो दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है, तो हम ऐसे इसे ये करेंगे तो इसके a² - b² बनना, ये फॉर्म में हम इसे लाएंगे। तो ये फॉर्म में अगर लाना है तो 2^19 को मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 2^1 + 18 करूँगा। यह प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल अगर ये यूज़ किया इसमें तो 2^1 सेपरेट हो जाएगा और 2^18 आल्सो सेपरेट हो जाएगा, यानी 2^19 मीन्स 2^1 × 2^8 बनेगा। तो इसकी जगह में मैं 1 ही समझ लो, तो 2^18 हो जाएगा, और -2^5 को मैं 2^1 × 2^4 इसके हिसाब से, यानी 2^5 इज इक्वल टू 2^1 + 4। तो 2^1 मीन्स 2^1 ही होता है, 2^4 याद, यानी 2 × 2^4। तो दोनों में 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, जो 2 बाहर ले लेंगे कॉमन में तो हमें मिलेगा 2^18 इनसाइड 2^4। अगर हमें इस ये भाग को a² - b² अगर लाना है, अगर बीस लाना है तो ये 2^18 को मैं 2^9 × 2 करते हैं, वो सेम ही होते हैं, तो इसका मतलब 2^9² तो ये हो गया a² के जैसा। तो ठीक इसी तरह 2^4 को ऐसा करेंगे 2^2 × 2, राइट, तो यहाँ पर 2^2² यानी पावर रूल हो चुके। तो ये हो गया बी, ये b² हो गया, a² हो गया। तो इसके हिसाब से हम अगर लिखा तो 2 तो बाहर है, तो पावर में क्या करेंगे, इसे 2^18 को 2^9² करेंगे, तो 2^9² माइनस यहाँ पर 2^2², राइट। तो हमें a² - b² का आइडेंटिटी मालूम है, a² - b² इज इक्वल टू a + b टाइम्स a - b। यहाँ पर a इक्वल्स 2^9 है और b इक्वल्स 2^2 है, राइट। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर 2^9 + 2^2 - 2^2 तो सेम हो जाएगा। 2^19 - 2^32 इज इक्वल टू, या 2 बाहर का कॉमन ले लो, 2^9 + 2^2 है। 2^9 का वैल्यू क्या होता है, अगर 2^10 है ये हमें मालूम है 1024 बनते हैं, राइट। तो इसका मतलब 2^ अगर 9 रहा, ये कम है, तो 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार, यानी 512 बनता है। 2^9 मीन्स 512, तो मैं इसके जगह में 512 पुट करूँगा, और प्लस 2^2 मीन्स यहाँ पर 4 बनते हैं, मल्टीप्लाइड विथ 2^9 - 512 -4, राइट। तो इज इक्वल टू 2^2 × 512 + 4 मीन्स 516 होते, मल्टीप्लाइड 512 - 4 मीन्स 508 बनता है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, आसान बना लेंगे। 516 को मैं 500 + 16 करता हूँ, 516 ही बनते हैं, मल्टीप्लाइड विथ 508 को मैं 500 + 8 करता हूँ, तो 580 बनते हैं, दोनों सेम हो जाते हैं। एक आइडेंटिटी मालूम है, ये है एक्स प्लस, अगर ये रहा, ये एक्स प्लस बी के जैसा है समझ लो, तो इसे हम x² + a + b टाइम्स x + a × b, ये आइडेंटिटी हमें मालूम है, इसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये x इज़ क्या बन रहे, x इक्वल 500 बन रहे, ये इज़
16 बन रहे हैं और b क्या बन रहे हैं 8 बन रहे हैं। ये तीनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो तब ये बनते हैं इक्वल्स टू टाइम्स 500 एक्स स्क्वेयर मीन्स 500 स्क्वेयर ए प्लस बी ए इज 16 प्लस बी इज 8 टाइम्स 500 एक्स आई एक्स 500 राइट। तो प्लस ए इंटू बी यानी 16 मल्टीप्लाइड विथ 8 दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो अभी इसे सिंप्लीफिकेशन कर दो तब ये बनते हैं 2 टाइम्स 500 स्क्वेयर प्लस 16 प्लस 8 मीन्स 24 बनते हैं पर 24 इंटू ये 500 प्लस यहाँ पर 16 इंटू 8 128 बनते हैं ये 128 पुट कर दो। 2 to the power of 19 minus 32 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 500 स्क्वेयर यानी 25 और 0 2 है यहाँ पर 4 0 रखो 25 4 टाइम्स 0 यानी 250,000 होता है 2500 का स्क्वेयर प्लस 24 इंटू 500 मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर किया तो ये बनता है 12,000 और आगे का 128 प्लस में है वो एज वेल पुट कर दो इक्वल्स 2 टाइम्स इन तीनों का समेशन कर दो 250,000 और 12,000 262,000 और 128 में 262,128 बनता है। ये 2 के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो इसका 2 to the power of 19 minus 32 का वैल्यू बनता है 2 8 16 कैरी 1 2 2 4 5 1 5 2 1 2 और 2 2 4 2 6 12 कैरी 1 2 2 4 प्लस 1 मीन्स 5 यानी 524,256 इसका समेशन है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।